नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइस पे। IRFC के शेयर में अभी खरीदारी करना चाहिए क्या, क्योंकि शेयर का प्राइस कुछ दिन पहले 104 रुपए के आसपास पहुंच गया था और उसके बाद स्टॉक में अभी गिरावट बना किया। यह शेयर फिर से यहाँ पे 97 के आसपास चल रहा है, 97.65। यहाँ से फिर से यह शेयर अभी 100 रुपए के ऊपर पहुंच सकता है, 101-102 रुपया तक पहुंच सकता है। डिटेल्स में बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में IRFC और RBL के शेयर को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते स्टॉक की बातें। देखिए दोस्तों, IRFC का शेयर इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आपने ये शेयर 35-40 रुपए के आसपास खरीदा है तो आपको पता रहेगा। अगर आप ये शेयर में अभी अभी खरीदारी कर रहे हैं, मतलब 65-75 76-78 के आसपास भी, तो भी आपको इस पर अच्छा रिटर्न मिला है। ये शेयर का प्राइस बहुत कम था। अगर आपने ये शेयर लिया है कुछ दिन पहले तो आपने देखा है बहुत कम शेयर का प्राइस था और उसके बाद शेयर में एक जबरदस्त रिटर्न बना एक दिन में। अभी भी देखते हैं तो शेयर के प्राइस में जो एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एक दिन में 1% का इसमें रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में 5.6% का रिटर्न दिया है, वही दोस्तों बात करते हैं एक महीने में 20.3% का रिटर्न देखने को मिला है IRFC के शेयर में। अभी देख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी जो है इसका 45 out of 100, वैल्यूएशन 32.70 out of 100, मोमेंटम 78.20 out of 100। जो डिमांड है, जो वॉलिटिलिटी है IRFC के शेयर में जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए 3 महीने का जो हाई प्राइस इसने दिया है वो है 104 रुपया 10 पैसे का, 104.10 पैसे का इसका हाई प्राइस है 3 महीने का। 3 महीने का जो इसका लो प्राइस है 65.75 पैसे का, वही दोस्तों बात करते हैं एक महीने का जो इसका हाई प्राइस है 104.10 पैसे का, जो लो प्राइस है 74.15 पैसे का, और एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस है 101.90 पैसे का, जो लो प्राइस है 87.10 पैसे का। तो एक हफ्ते का इसका हाई प्राइस देखिए 101.90 पैसा, शेयर का प्राइस अभी लगभग 97 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप जबरदस्त है IRFC के शेयर का, 1,27,417.99 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप इसका जबरदस्त बढ़ गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं 2.8 है, मतलब इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो मतलब मीडियम लेवल पे एक चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, मीडियम लेवल पे चल रहा है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अभी जो इसका IRFC का रिजल्ट आया था, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट था उसमें क्वार्टरली जो Q2024 का था उसमें टोटल रेवेन्यू में देख सकते हैं 16.5% का जंप हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 0.2% का गिरावट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.6% का जंप हुआ था, EBITDA 16.6% का जंप हुआ था। वही दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट जो है गिर गया था, मतलब इसका EBITDA बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया था, नेट प्रॉफिट जो है इसका वो गिरावट में था 9.6%। टेक्निकली IRFC का शेयर अभी भी एक बुलिश लेवल बना रहा है। टेक्निकली देख सकते हैं IRFC के शेयर में अभी भी एक बुलिश लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक बुलिश लेवल बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं IRFC के शेयर का जो वॉल्यूम है BSE और NSE मिला के एक दिन का, देखिए 56.2 मिलियन का जो है इसका, माफ कीजिए, वॉल्यूम में एवरेज देखने को मिल रहा है BSE और NSE मिला के। डिलीवरी परसेंटेज 30.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 17 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 153.8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 20.6% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 31.6 मिलियन का है। एक महीने का BSE NSE मिला के 151.7 मिलियन का एवरेज है, डिलीवरी परसेंटेज 24% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 36.5 मिलियन का है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो IRFC ये शेयर है इन्वेस्टर्स को कुछ दिनों के अंदर ज़बरदस्त रिटर्न दिया, अभी भी शेयर में डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए जो कि यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज जो है IRFC के शेयर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो यहाँ पे थोड़ा घटा है, घट रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम जो यहाँ पे घट रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, जो OFS है बहुत जल्दी आएगा, गवर्नमेंट की ओर से जो अपडेट आया था शायद से फाइनेंशियल ईयर जो है इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट यहाँ पे OFS लाएगा, जहाँ पे लगभग 10-11% के आसपास, मतलब अभी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टेक है, प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा स्टेक है, 86.36% का स्टेक है, प्रोमोटर्स यहाँ पे स्टेक घटाएगा। तो अभी यहाँ पे FIS जो है FIS के पास 1.14% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.5% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 1.13% का स्टेक है, पब्लिक के पास 10.88% का स्टेक है। बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया। और देखिए बीच में कुछ दिन पहले जो ये शेयर में तेजी बना था एक ज़बरदस्त, तो उसको लेकर हम लोग डिटेल में बात भी किया था, बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर जो बनाया है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो हुआ था यहाँ पे एक चीज़, जहाँ पे IRFC जो है
3000 करोड़ का जो एक बॉन्ड रेस कर रहा था, 3000 करोड़ का फंड रेस कर रहा था। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, जिसने मतलब यहाँ पे फंड के लिए अमाउंट वगैरह ऑफर किया था IRFC को, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफर कर दिया था। मतलब 3000 करोड़ की जगह पे 6000 करोड़ या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफर कर दिया था। मतलब एक इन्वेस्टर्स का जो डिमांड है या फिर ट्रस्ट है वो देखने को मिला था। उसके चलते वो एक बोल सकते कि मार्केट में जो है एक सेंटीमेंट बना, एक सेंटीमेंट बना IRFC के शेयर को लेकर मार्केट में, और शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को बनता हुआ देखने को मिला है। तो अभी दोस्तों IRFC का हम लोग थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्या। देखिए अभी अगर आप देखते हैं अभी का मतलब एक दिन में अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई देखने को मिल रहा है। मूविंग मतलब MACD जो है यहाँ पे 11 ऐसे है एनालिस्ट जो लोग कह रहे हैं कि शेयर में बाई करके चल सकते हैं, सेल करने के लिए 1 जन कह रहा है, और जो यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं कि बाई करने के लिए 9 जन कह रहा है और सेल करने के लिए 1 जन कह रहा है। तो मतलब टेक्निकली अभी भी अगर शेयर खरीदते हैं आप तो हो सकता है कि यहाँ से भी तेज़ी बनाए। तो यहाँ पे कितना तेज़ी बन सकता है, शेयर कितना यहाँ से आगे जा सकता है। देखिए इसका एक हफ्ते का शेयर का प्राइस जो है 101 रुपये के आसपास पहुँच गया था। तो देखेंगे तो उतना ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए इसका। अभी का देखते हैं, जो शेयर ओपन हुआ था 97.55 पैसे में, और उसके बाद इसका हाई प्राइस बनाया था 98.55 पैसे का, लो प्राइस बनाया था 96.40 पैसे का, और लो इसमें जो वॉल्यूम देखने को मिला था वो था 40.67 मिलियन का। और उसके एक दिन पहले का जो इसका ओपन हुआ था शेयर 90 रुपीज़ में, और उसके बाद 98.90 पैसे का इसने एक हाई प्राइस बनाया था, जो लो प्राइस दिया था 96.20 पैसे का, और जो इसका वॉल्यूम देखिए 48.43 मिलियन का था। तो यहाँ पे मतलब अगर हम लोग देखते हैं मतलब इसको समझते हैं, जो इसका एक दिन का हाई प्राइस है अभी तो वो है 98.55 पैसे का, तो 97.45 या 50 के आसपास शेयर अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए 40-50 पैसे के आसपास। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे 98 रुपीज़ के आसपास, 98.10 पैसे के आसपास भी एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं अगर आप यहाँ पे अभी शेयर खरीदते हैं। देखिए आगे चल के शेयर तेज़ी बना सकता है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये शेयर जो है दोबारा मतलब या फिर बोल सकते यहाँ से तेज़ी नहीं बना सकता है, ज़रूर तेज़ी बना सकता है, हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा समय। दोस्तों बात करते हैं RBNL के शेयर को लेके। देखिए RBNL का शेयर जो है एक गिरावट बना रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो एक महीने में RBNL के शेयर में जो तेज़ी बना मतलब जो रिटर्न दिया है वो है 6.49% का, और एक हफ्ते में 1.14% का इसने रिटर्न दिया है। एक दिन में देखेंगे तो फिलहाल अभी शेयर में गिरावट बन रहा है। RBNL के शेयर का 52 का जो लो प्राइस था वो था 56.05 पैसे का, इसका 52 का लो प्राइस देखिए 56.05 पैसे का था, और जो हाई प्राइस दिया है 199.25 पैसे का, और एक दिन का लो प्राइस 176 रुपीज़ का और हाई प्राइस 178.95 पैसे का। अभी यहाँ पे मतलब RBNL का शेयर भी अगर आपने कुछ दिन पहले लिया है शेयर में खरीदारी किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको रिटर्न देखने को मिला रहेगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देखते हैं आप अभी का अगर आप देखते हैं तो ये शेयर जो है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हो सकता है कि गिरावट बनाए, स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। MACD इंडिकेटर आप देख सकते हैं जहाँ पे बाई करने के लिए दो ऐसे एनालिस्ट है वो लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो है, और सेल करने के लिए जो है 10 ऐसे एनालिस्ट है वो लोग कह रहे हैं। वही दोस्तों बाई करने के लिए यहाँ पे जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में 1 जन ऐसे एनालिस्ट है वो कह रहे हैं, और सेल करने के लिए 8 ऐसे एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। मतलब फिलहाल यहाँ पे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिल रहा है RBNL के शेयर में। और एक दिन का आप देखते हैं इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, एक दिन का टेक्निकली और जो एक दिन का मतलब अगर आप थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक में एक तेज़ी बने। बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए दोस्तों RBNL के शेयर में। आप देख सकते हैं जहाँ पे इसमें जो है अगर बात करते हैं मतलब एक दिन का शेयर ये ओपन हुआ था 178.70 पैसे में, उसके बाद 178.90 पैसे का इसने एक हाई प्राइस दिया, मतलब ओपन होने के बाद जो ओपन प्राइस है उसके बाद देखते हैं तो 20 पैसे का इसने एक हाई प्राइस दिया। उसके बाद शेयर में गिरावट बना था 176.10 पैसे का, एक ज़बरदस्त गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। वॉल्यूम देखिए जो कि 4.68 मिलियन का, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे घट रहा है RBNL के शेयर में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 179.35 पैसे में एक दिन पहले ये शेयर ओपन हुआ था, उसके बाद हाई प्राइस दिया 180.80 पैसे का, और लो प्राइस दिया 176.55 पैसे का, और इसमें वॉल्यूम देखिए 6.99 मिलियन का था। तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा घट रहा है अभी RBNL के शेयर में, और इसका मतलब हम लोग देखते हैं शेयर के प्राइस में भी थोड़ा गिरावट बन रहा है। तो हमें लगता है कि किसी ने अगर शेयर नहीं खरीदा है RBNL का तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा गिरावट बनता है शेयर में और उसके बाद ही खरीदारी करना चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कोई कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है।
उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।